नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। शरारती तत्वों ने शहीद स्मारक को किया ध्वस्त, FIR दर्ज। बालूमाथ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक JCB को किया जब्त। JCB चालक JCB छोड़कर हुआ फरार। बालूमाथ मुरपा मोड़ स्थित शहीद राम कुमार भगत स्मारक को शरारती तत्वों ने ध्वस्त कर दिया है। बालूमाथ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक JCB को जब्त कर लिया है। बालूमाथ थाना प्रभारी ने बताया है कि JCB के चालक JCB छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात चालक एवं मालिक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इधर राम कुमार भगत के शुभचिंतकों ने कार्रवाई की मांग की है। राम कुमार भगत अमर रहे, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करो, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करो, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करो, उनका प्रतिमा को पुनः स्थापित करो, प्रतिमा को पुनः स्थापित करो। मांग पत्र बालूमाथ थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी बालूमाथ को देते हुए पुनः शहीद स्मारक बनाए जाने की मांग की है। ये जगह स्मारक बनाया गया था जो धीरज साहू के द्वारा किया गया था और इसमें आज तक राष्ट्रीय झंडा भी ध्वज यहां फहराया जाता था 15 अगस्त और 26 जनवरी को, जिसे कुछ अज्ञात लोग ने रात के 12 बजे दिन में नहीं रात के 12 बजे रात को इसको ध्वस्त कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जो शहीद व्यक्ति थे वह एक नाबालिग लड़की 15 साल के आदिवासी की बेटी थी, जिसको बचाने में उसको खुलेआम कुछ लोग अपराधियों ने 4-10 मिलकर रेप केस किया था, जिसका केस सुनवाई यहाँ नहीं होने पर उन्होंने आवाज उठाया और बहुत दूर दूर तक गया और उसको इंसाफ दिवाया, जिसके आवाज में उनकी हत्या कर दी गई। अब बताइए इससे बड़ा शहीद और क्या हो सकता है। इस मौके पर रंजीत जायसवाल, सुरेश राम, राजेंद्र साव, विनोद बिहारी गुप्ता, पप्पू चौबे, विकास जायसवाल, पंचू पांडे, प्रदीप गंजू, राजू भगत समेत कई लोग मौजूद थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।